हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। यशी, कब तक सोओगे बेटा? जाओ ना, आओ। क्यों चूहे? ए चूहे, चूहे उठोगे? मम्मा, साड़ी फंस गई, साड़ी फंस गई। यशी, तुम्हारा पपी गुस्सा है क्या? मुझे तो यशी गुस्सा लग रही है। अब क्यों गुस्सा हो गई? अभी तो मैंने तुम्हें गधी भी नहीं बोला। गधी नहीं बोला। हाँ, क्यों ऐसा किए? क्यों किया उसको? क्यों सुबह सुबह दुखी करे? जवाब तो इसी पोस्ट में मिलने वाले प्राणी हर वक्त। क्यों उसको ऐसा किए? तो मेरे दिन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है किचन से। बस थोड़ी देर पहले ही मेड ने बर्तन जो है वो धुले हैं, तो मैं उनको सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ज्यादा है, तो उसे पोछूंगी। और मिल्क भी आ गया है, तो बस बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और ये वीडियो है सैटरडे का, अभी बज रहे हैं 9 और आज सबकी छुट्टी है। वैसे आयना की छुट्टी नहीं थी आज, स्कूल उसका खुला था। यशी की छुट्टी होती है सैटरडे को, बट यशी नहीं जाती है ना जिस दिन, तो उस दिन आयना भी बहुत ड्रामे करती है। उसको ये लगता है ना कि यशी क्यों नहीं जा रही है, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, मैं अकेले क्यों जाऊं। तो बस वो आज बोल रही थी कि आज मेरा मन नहीं है जाने का, तो हमने कहा चलो ठीक है मत जाओ। लेकिन ये सब नाटक ना हर सैटरडे को नहीं चलेगा तुम्हारा, हर सैटरडे को जाना पड़ेगा। तो बस आज उसकी छुट्टी करा दी और हस्बैंड का भी ऑफ है, तो बस यहाँ पे मैंने मिल्क रखा हुआ है बॉयल करने के लिए, एक भगोना जो है वो रख दिया है। और साथ में मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बस अभी ही मैं नहा करके ही आती जा रही हूँ, अभी मेरे सारे काम जो है वो शुरू हो रहे हैं। और आप सभी को पता ही है कि किचन से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। वैसे नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह जो है वो कर ली है, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। और मेड जो है वो अभी झाड़ू वगैरह लगा रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। साथ में बॉईल हो ही रहा था तो ये हो गया, इसको ये गिरने ही वाला था। वैसे फूक फूक के मैंने नीचे बैठाया है, क्योंकि गिर जाता ना फिर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने गैस वगैरह सब साफ किए, फिर गंदा हो जाता। तो बस उबला नहीं था खैर। और दूसरा जो भगवाना है वो भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, वो भी पक रहा है। और अब मैं चाय जो बन गई है रेडी, तो रस्क वगैरह इससे बिस्किट वगैरह निकाल रही थी, तो ये जो स्टूल रखा है ना नीचे, मैंने उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे निकाल पाती हूँ। थोड़ा सा ऊंचे हैं ये रैक, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये छोटा सा स्टूल यहाँ पे किचन में रख रखा है, और इसी पे ही मैं खड़ी होकर के फिर ऊपर का जो भी सामान होता है ना वो निकाल लेती हूँ। तो मैंने रस्क तो नहीं निकाले है, मैंने बिस्किट और नमकीन यहाँ पर ले ली है। और बस चाय मैं सबके लिए छान दे रही हूँ, भाई भी आ गया है ब्रश करके, तो भाई के लिए और अपने लिए मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। सबको चाय दे देते हैं, चाय नाश्ता हमारा यही होगा आज। और आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और अभी मेड ने ना झाड़ू लगाई है, तो झाड़ू पोछा लगाती है ना तो टेबल वगैरह ये सब हटा देती है साफ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय लेकर के आई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत ही ज्यादा सोफे की हालत खराब थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ के इतने गंदे में तो पी नहीं पाऊंगी, तो मैं पहले सोफा को सेट करने में यहाँ पर लग गई हूँ। अच्छे से उसका कवर जो है ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था, तो उसको मैं यहाँ पे सही कर दे रही हूँ और फिर मैं बैठ के चाय पीऊंगी। तो मैंने भाई को ना दे दिए रूम में, वो चाय पी रहा है, और मैं यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ। और आज यशी का जो है मूड ना वो बहुत ही ज्यादा ऑफ है, क्योंकि उसको सुबह सुबह पता नहीं उसके पापा ने कुछ बोल दिया। बच्चे को तो क्या बात बुरी लग जाए ना, कुछ कह नहीं सकते। और अगर यशी थोड़ी सैड है ना, तो आयना उसे और परेशान करती है, तो वो और परेशान कर रही थी इसलिए वो ज्यादा दुखी थी। तो मैंने उसको समझा दिया है किसी तरह, और साथ में मैंने चाय भी पी ली है। उसके बाद फिर ये लोग कह रहे थे कि हमें खाना है ब्रेड चाय के साथ, रस्क नहीं खाना है, तो यहाँ पर मैं बटर ले ली थी। और ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कैमरे में देख रही थी और बटर पूरा पिघल के मेरी फिंगर एकदम तवे पे रख गई, बहुत जोर जल गई थी मैं। तो अब तवा गर्म था, तो उस टाइम मैंने तो उसमें ब्रेड तो रख दिया, लेकिन फिर आना से बोला कि टूथपेस्ट लेकर के आओ, और कोलगेट वो वाला जो वाइट वाला होता है ना उससे ज्यादा सही से सही हो जाता है, वो ठंडा होता है। ये क्लोजअप था तो इसको मैंने लगा तो लिया जल्दी जल्दी में, लेकिन इससे कुछ ज्यादा आराम नहीं मिला और ब्रेड भी मेरे यहाँ पे जल गया। मतलब मैं काफी तेज जल गई थी, एकदम तवे पे ही मेरी फिंगर जो है रखा गई थी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ।
और आज ना मतलब सब लोग, ऐसा लग रहा है रात के खाने में किसी ने कुछ मिला दिया था। सब लोग 10 बजे सो के उठे, मैं भी और यशी भी, लेकिन आयना 6 बजे उठ गई थी और वो आराम से पार्क चली गई, घूमी, अपना होमवर्क करी। मतलब सब बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग सो रहे हैं, बच्चे उठ गए थे। खैर आज बहुत लेट हुआ और लेट उठने की वजह से सारे काम भी बहुत, मुझे और ये टेंशन क्योंकि अब सारे काम जब लेट हो गए हैं, खाना बनाने में भी लेट होगा और मुझे अभी वीडियो भी एडिट करनी है, 12 बजे अपलोड करनी है, तो देखती हूँ कैसे क्या कर पाऊंगी। फिलहाल अभी तो रूम जा रही हूँ साफ करने, क्योंकि रूम भी बहुत गंदा है, और चाय वगैरह मैंने पी ली है। आज इन लोगों की छुट्टी होने की वजह से चाय वगैरह तो हो गई है, लेकिन खाना जो है वो अभी नहीं बना है। खाने में कुछ भी नहीं मैंने किया है, किचन का काम अभी मेरा एक तरीके से बचा ही है, क्योंकि जब तक खाना नहीं बने तब तक किचन का काम पूरा माना नहीं जा सकता, तो वो तो मैं करूंगी बाद में। अभी मैं थोड़ा सा आ गई रूम में, यहाँ पे ये रूम, ये लोग हट गए थे यहाँ से, मैं सोचा चलो रूम ही साफ कर देते। चारों तरफ बेडशीट ही बेडशीट फैली हुई है, बेड कोई तो झाड़ेगा नहीं, सारे काम तो करने मुझे ही है, तो मैं चाय पी ली हूँ तो थोड़ा रूम ही क्लीन कर देते हैं। और पिलो वगैरह एक्चुअली ये लोगों ने बहुत ज्यादा निकाल के रखी है, मतलब इधर वाले बेड की और आयरा का जो रूम है ना, वहां की पिलो सारी इसी रूम में इन्होंने रख दी है। वैसे तो झाड़ू लगने से पहले मैं बेड को झाड़ जाती हूँ, एक बार मैंने झाड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी अभी भाई ने चाय वगैरह पी थी यहाँ पे, तो मैंने दोबारा से झाड़ दिया है, झाड़ू पोछा हो ही गया है पूरा। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से तवा और बाल्टी मंगवाया था, क्योंकि बाल्टी ना मेरे पास एक ही थी, वैसे थी पहले ज्यादा, लेकिन अभी वो खराब हो गई है। तो अभी क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कोई बाथरूम नहा रहा है उसी टाइम पे मेड को पोछा लगाना होता है, तो इधर 2-3 दिन से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये बाल्टी मंगवाई है। और तवा भी मेरा खराब हो गया है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, उसकी जो लकड़ी है ना जिससे पकड़ते हैं वो ही टूट गया था पूरा, तो बड़े दिन से कह रही थी, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ था, आप देख सकते हैं, तो वो लकड़ी जो है ना वो टूट गई थी, तो वो बिल्कुल गंदा सा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने तवा भी मंगा लिया है। और अभी इसी बीच में मैंने भाई के लिए ये दूध दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मखाने डाल के, फिर मेरा पार्सल आ गया था तो मैं वो लेने चली गई थी नीचे, और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने मंगवाई थी अपने लिए एक साड़ी, बट ये मुझे ना उतनी कुछ खास नहीं पसंद आई, क्योंकि इसमें कलर और इसका फैब्रिक फिर भी एक तरीके से मान लीजिए चलिए ठीक है, लेकिन ये जो डिजाइन बनी हुई ना ये गोटे से बनी हुई है, तो बड़ा चीप सा लग रहा था। डे फंक्शन के लिए तो बहुत ही बेकार साड़ी है, अगर आप नाइट में पहनना चाहें तो एक बार पहन भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ खास नहीं लगी, तो मेरे को लग रहा है कि ये रिटर्न करनी पड़ेगी। और एक बार यहाँ पे भाई भी बैठा है और हस्बैंड भी है, तो मैं इन लोग को ऐसे पहन के दिखा रही थी कि देखो अगर मेरे ऊपर अच्छी लग रही है क्या, बट ये लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो मतलब साफ ही मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करके जरूर देख ले रही हूँ। मुझे ना साड़ी छोटी भी बहुत लग रही है, मतलब प्लेट इसमें बनी नहीं, 2-3 प्लेट बनी, तो नहीं सही लगी मुझे भी पहनने के बाद। बट डार्क कलर है ना, तो कलर अच्छा लगता है डार्क, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना पहनते बन रही है ना कुछ, तो फिर मैंने इसे पैक करके रख दिया है, मैं इसे रिटर्न ही करूंगी और अभी ही रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दूंगी, क्योंकि फिर अभी ये पड़ा रह जाएगा ना, अगर बाय चांस मैंने रैक वैक में रख दिया तो फिर मैं भूल भी जाऊंगी, 7 डे की होती है तो अच्छी भी नहीं लगेगी, फिर मेरे को बड़ा दुख होगा इससे, तो मैं बस रख दे रही हूँ। और अभी ये लोग, भाई को जाना है हॉस्पिटल, उसकी ड्रेसिंग होती है 1 हफ्ते में, तो बस ये लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और भाई भी, तो और वैसे तो हमें भी आज जाना था, थोड़ा हम सोच रहे थे कि मार्केट चले जाएंगे, लेकिन अब हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है कुछ आइडिया नहीं है। वैसे नंबर हम लोग एक दिन पहले ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे बैठना ही पड़ता है, क्योंकि नंबर चाहे जिस भी टाइम का हो वो 1 से 1.5 घंटे वहां बैठने पड़ते हैं। और ये लोग निकल गए, थोड़ी देर में इनको याद आया
कि पर्चा ये लोग लेके नहीं आए, फिर मुझे कॉल किया तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ अब स्कूटी से इनको देने के लिए। पहले मैं कह रही थी वापस आ जाओ क्योंकि ये लोग थे कॉलोनी में ही, दूर नहीं गए थे, लेकिन कहते रहने दो तुम लेकर के आ जाओ स्कूटी से, तो मैं यहाँ पे आ गई स्कूटी से, इन लोग को पर्चा दे दिया। अब मैं वापस जा रही हूँ घर, और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर कह गई, मेरे किचन में इनका राज हो गया, आ गई है, भगा दिया मैंने इसे और आ गई हूँ, क्योंकि अभी ना खाना में थोड़ा ज्यादा ही लेट हो रहा है, और बच्चों को मैं जल्दी जल्दी अभी बस ये ब्रेड में इसका कॉर्नर जो है ना वो कट करके मैं यहाँ पे थोड़ा सॉस लगा करके दे दूंगी, जब तक ये लोग खाएंगे तब तक मैं खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि मैं जितना भी जल्दी करूंगी 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे खाना बनने में, तब तक ये लोग कुछ खा लेंगे। और इतनी देर में तो मुझे भी भूख लगाई है, तो मैं अभी अभी कुछ खाऊंगी। वैसे हस्बैंड तो बिरयानी खा करके आ गए थे और भाई ने चाय वगैरह पी थी, उसके बाद उसको मिल्क दे दिया था वो मखाने छुआरे डाल के, तो उसने वो खाकर वो लोग चले गए थे, तो उन्हें तो उतनी अभी भूख नहीं होगी, लेकिन मैंने तो बस चाय पी है और बच्चों ने भी बस वही थोड़े बहुत ही खाया था तो इन्हें दे दिया। और मैं अपने लिए भी अमरूद कट करूंगी, मुझे अमरूद ना बहुत पसंद है, तो मैं भी थोड़ी देर में कट कर लूंगी। ये जो कॉर्नर है ना वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि कॉर्नर दो ना तो ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तो अभी ये तो लैपटॉप में लगी हुई हैं, कार्टून देख रही हैं, तो बस इनको चल के दे देते हैं। और व्लॉग आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।